नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फेरेरो रोशे चॉकलेट। फेरेरो रोशे चॉकलेट हम सबको बहुत पसंद आती है, पर यह चॉकलेट बहुत ही महंगी है। यही चॉकलेट आप घर पे बना सकते हैं और वो बिल्कुल बाहर मिलती हुई चॉकलेट की तरह ही है। तो चलिए फेरेरो रोशे चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। फेरेरो रोशे चॉकलेट हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस हैं काजू के, जिसको काजू का कनी भी बोलते हैं। आप अगर कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे और उसको बोलेंगे काजू का कनी, तो ये छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स काजू के मिलेंगे। ये ज़्यादातर पार्टिकल्स रेस्टोरेंट वाले और मिठाई वाले यूज़ करते हैं। अभी हम फेरेरो रोशे चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। मैंने 150 ग्राम स्वीट चॉकलेट ली है और अभी मैं उसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट को 30 सेकेंड्स माइक्रो में गर्म किया था, तभी वो मेल्ट नहीं हुई थी, इसके लिए मैंने उसे और 30 सेकेंड्स रखा। टोटल एक मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप एक साथ में एक मिनट मत रखिए, धीरे धीरे करके चॉकलेट को मेल्ट कीजिए। अभी मैं इसमें ये जो काजू की कनी है वो करीबन एक टेबलस्पून जितनी डालूंगी। फेरेरो रोशे चॉकलेट सबको बहुत पसंद आती है और वो घर में आराम से हम बना पाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक टेबलस्पून काजू के पीसेस डालने के बाद में अगर आपको लगे कि ये पीसेस कम हो रहे हैं तो आप आधा टेबलस्पून और डाल सकते हैं। कभी भी एक साथ में मत डालिए, आप मिक्स करते रहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप दूसरी डालिए। ये रेडी होने के बाद में कम से कम अगर आप रेगुलरली इसके ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं तो आप ऐसे पूरा ये बैच बना के रखिए। जब मैं अपने क्लासेस और ऑर्डर्स लेती थी, मैं एक एक किलो ऐसे पूरा बैच रेडी करके रखती थी। मैं फेरेरो रोशे केक भी आगे सिखाने वाली हूँ, जिसमें हमें ये चीज़ काम आने वाली है। अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये फेरेरो रोशे के शेल हैं, ये वेफर के शेल हैं। फेरेरो रोशे के अंदर जो एक क्रंची शेल होता है वो इससे बना होता है। ये बहुत ही इजीली आपको कोई भी कन्फेक्शनरी स्टोर में मिल जाएगा। ये इसी तरह इस पैकेट में मिलते हैं और ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने नटेला हेज़लनट पेस्ट लिया है। ये न्यूटेला का पेस्ट आपको कोई भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये शेल के अंदर हम न्यूटेला भरेंगे। ये हेज़लनट है। हेज़लनट एक इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट है और वो इजीली आपको कोई भी ड्राई फ्रूट वाले के यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें हम ये बीच में ऐसे रख देंगे। ऐसे हम सब शेल रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। घर पर हम बहुत रिजनेबल रेट में बिल्कुल बाहर मिलती फेरेरो रोशे बना सकते हैं और बहुत यमी बनती है। हमने सारे एक साइड के शेल्स भर लिए हैं। ये दूसरे शेल में ऐसे नटेला भर के हम ये जो पहला शेल है ये इस पर रख देंगे और इसे हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। दोस्तों, ये वेफर बहुत डेलिकेट होते हैं तो थोड़ा संभाल के इनके साथ काम करिए। हमने सारे शेल्स रेडी कर लिए हैं। अभी इसको हम फ्रीज़र में करीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं ये काजू की कनी थोड़ी फूल गई है। फेरेरो रोशे के बॉल्स फ्रीज में तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसमें चॉकलेट में डाल के उस पर हम कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल लेंगे। 2 मिनट आप ऐसे ही पकड़ के रखिए इसको, जिससे कि एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हो जाएगा और फिर इसको हम धीरे से प्लेट में रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम सारे बॉल्स फेरेरो रोशे के रेडी करेंगे। हमारे सारे बॉल्स कोट होके रेडी हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए रखूँगी सेट होने के लिए। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं और जहाँ पे अनफिनिश्ड है वहाँ से एक्स्ट्रा चॉकलेट को हम निकाल लेंगे इस तरह से। अभी हमने जहाँ से ट्रिम किया था वो पार्ट लेके हम इसको उस पर चॉकलेट अप्लाई कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे। हमारे पास ना तो स्पेशल्स मोल्ड होते हैं घर में, इसीलिए हम इस प्रकार से चॉकलेट बनाते हैं। दोस्तों, आप ये बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत ही बढ़िया बनती है चॉकलेट घर में। हमारे सारे फेरेरो रोशे चॉकलेट कोट होके रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। हमारे फेरेरो रोशे बन के रेडी हैं। इस प्रकार के
रैपिंग पेपर्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। पेपर को हम अभी काट के उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं। अभी हम इसमें एक अपना फेरेरो रोशर का बॉल रखेंगे और इसको जैसे बाहर मिलता है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ही अनइवन ऐसे ही रैप करके उसको रेडी करेंगे। और ऐसे पेपर कप्स इजीली मिल जाते हैं कोई भी बेकरी कन्फेक्शनरी स्टोर में, हम उसमें ये रख देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर मिलता है वैसा ही फेरेरो रोशर तैयार हुआ है। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, घर पे बनाएंगे और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। हमारे फेरेरो रोशर बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।